केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मेरे साथ हैं। बघेल साहब, 2000 का नोट बंद किया गया, कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 7 साल के अंदर इसे बंद करने की क्या जरूरत पड़ी। सुखद दूरगामी परिणाम निकलेंगे। मैं इस कदम का मोदी जी का स्वागत करता हूँ, आरबीआई का स्वागत करता हूँ। उन सब के पेट में दर्द होगा जिनके तहखानों में 2000 रुपये के नोट डंप हैं। उन सब के पेट में निश्चित तौर से उनकी रात की नींद मोदी जी ने उड़ा दी है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस करते हैं। और उन सब लोगों के पेट में दर्द होगा जो ब्लैक मनी, वो सारे लोग जो सीए इसलिए रखते हैं कि काला सफ़ेद, सफ़ेद काला, काला सफ़ेद के चक्कर में रहते हैं, उन पर फ़र्क पड़ेगा। आम आदमी पर इसका कोई भी फर्क पड़े नहीं पड़ेगा। ये कहा जा रहा है, पिछली बार भी नोटबंदी हुआ तो दावा किया गया कि इससे ब्लैक मनी रुकेगा, लेकिन तमाम पैसे जो हैं वो बैंक में पहुंच गए। विपक्ष कह रहा है कि 7 साल आप अपने नोट को नहीं चलाते और 70 साल से कांग्रेस ने चलाया, उस पर सवाल उठाते हैं, आपको कोई हक नहीं है। देश काल परिस्थितियों के अनुसार हमेशा करेंसी के स्वरूप में, रूप में, रंग में हमेशा परिवर्तन होता है। क्या आपको लगता है कि इससे करप्शन पे लगाम लगेगा एक बार फिर, ये जो स्ट्राइक टू है? निश्चित तौर से, लेकिन एक थोड़ा जनता को बताइएगा कि ये नोटबंदी नहीं है, ये नोट बदली है, नोट को बदलने का कार्यक्रम है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि आखिर इससे कैसे माना जाए, चूंकि इससे पहले जो हुआ था नोटबंदी जो हुई थी, चूंकि सवाल उसे लेकर उठ रहा है कि तमाम पैसे बैंक में आ गए थे और जो एक टारगेट था आप लोगों का कि जो ब्लैक मनी है वो मार्केट से आउट होगा, फिर 2000 का नोट ले आए, 2000 के नोट के चलते अगर आपको लग रहा है कि अभी जमाखोरी है तो मतलब 2000 के नोट की वजह से भी करप्शन हुआ? इस देश में तो अनाज की भी जमाखोरी हुई है, तो रुपयों की तो होती है, लेकिन जो मोदी जी ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ब्लैक मनी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ये और डिजिटल जो है इकोनॉमी या डिजिटल करेंसी की दिशा में जो विश्व की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वो स्वागत योग्य है। एक आखिरी सवाल है, केजरीवाल ने ये आरोप लगाया है कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना इसलिए ज़रूरी है, इसको भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई से जोड़ दिया। पहले अपने घर के पूर्वजों को देखें कि दादा दादी, नाना नानी कितने पढ़े थे। मेरी दादी और दादा, नाना और नानी तो एक अक्षर नहीं पढ़े थे, लेकिन बहुत बड़े बुद्धिमान थे वो लोग। तो आजकल एक है कि डिग्रियों के अनुसार बुद्धिजीवी माना जाता है। 1000 केजरीवालों से मोदी जी ज़्यादा समझदार हैं, देश को समझते हैं, देश के डीएनए को समझते हैं, गरीबों के लिए दर्द है और पढ़े लिखों से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और वो बुद्धिजीवी भी हैं और बुद्धिमान भी हैं, और इसलिए है कि उनके दिल में भारत की आत्मा बसती है। ये आसमान पर केजरीवाल ने बीच में सुधार किया था, शुरू में वो सो के उठते थे तो केवल मोदी जी की आलोचना करते थे, फिर उनके कुछ समर्थकों ने बताया होगा कि आसमान पे थूक रहे हो, मुँह पे ही आके गिरेगा, लेकिन वो जो है ना, ये वायरस हैं, बहुत जल्दी मरते नहीं हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि 1000 झूठ बोलने वाले लोग जिस दिन मरे होंगे उस दिन केजरीवाल जी पैदा हुए होंगे। शुक्रिया आपका। एसपी सिंह बघेल का साफ कहना है कि नोटबंदी नहीं, नोट बदली है और करप्ट लोगों को इससे परेशानी हो सकती है, आम लोगों को इससे परेशानी नहीं होगी। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, News 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।